दोस्तों बिहार के सभी जिले में डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब निकल के आया है जो कि शिक्षा विभाग का है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और सही दोस्तों, यहाँ पे जो सिलेक्शन होना है वो मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय के अंतर्गत यहाँ पे होगा। और सही दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन का डेट देख पा रहे हैं 17/10/23 को ये जो है जारी किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से आपको सिलेक्शन होना है, क्या सब यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है और क्या यहाँ पे फॉर्म भरने में आपका चालान भी कटेगा, ये सारी चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और सही दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट हैं और कितने कितने पोस्ट है सभी जिलों में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और जिला ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, जिले के अंदर प्रखंड में ही आपको जॉब दिया जा रहा है जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। और ये दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो जॉब होता है बहुत ही आसान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है, बस सिर्फ एंट्री का काम करना होता है, आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिला कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना में मात्र एक ही डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कार्यपालक सहायक पद स्थापित हैं और मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्यों में निष्पादन तकनीकी के माध्यम से किया जा रहा है। कार्य कंप्यूटर आधारित होने के कारण एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और साथ ही कार्यपालक सहायक द्वारा कार्य निष्पादन में कठिनाई आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मध्याह्न भोजन का जो रजिस्टर मेंटेन होता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या आ रहा है। तो इसलिए जो है ना, यहाँ पे कंप्यूटर आधारित एंट्री होगा जो कि ऑनलाइन होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो है सिलेक्शन लिया जा रहा है। और सही दोस्तों, अब हम आपको स्क्रॉल करके दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रमंडल का नाम और साथ ही यहाँ पे जिला का नाम है, कुल प्रखंड की संख्या और डाटा एंट्री का कितना सीट खाली है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसा कि प्रमंडल यानी कि कौन सी डिवीजन के अंदर, तो जैसे कि मान लीजिए पटना के अंदर कुल यहाँ पे इतने जिले हैं, 2, 4, 6 जिला है। अब दोस्तों, यहाँ पे पटना जिला के अंदर ना टोटल 23 प्रखंड है, तो यहाँ पे 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर को सिलेक्शन होना है। अगर मान लीजिए किसी जिले के अंदर 10 ही प्रखंड है, तो यहाँ पे जो है ना एक ही सीट अवेलेबल है, जैसा कि स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे तिरहुत में देख पा रहे हैं, शिवहर में यहाँ पे जो है 5 ही प्रखंड है, तो एक ही सीट यहाँ पे दिया गया है। या फिर सहरसा अनुमंडल के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पे सहरसा जिला में 10 ही जो है प्रखंड है, तो यहाँ पे एक ही सीट दिया गया है। सही दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा भी कि किस प्रकार से यहाँ पे आपको ऑनलाइन काम करना है डाटा एंट्री का, जो कि आपसे करवाया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हरेक अनुमंडल के अंदर, हरेक जिले के अंदर जो भी पद यहाँ पे खाली है, वो यहाँ पे सीटें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन होना है। स्क्रॉल डाउन करके हम आपको दिखा देते हैं सारे अनुमंडल और जिले का यहाँ पे जो है स्थिति। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कुल मिलाकर के यहाँ पे 65 व्यक्तियों को जो है ना सिलेक्शन होना है, जो कि बिहार के अंदर हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में जो है सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों, कुल प्रखंड की संख्या यहाँ पे 534 है और यहाँ पे सिलेक्शन जो होना है वो टोटल 65 व्यक्तियों को यहाँ पे सिलेक्शन होना है और इंटर पास व्यक्तियों का ही यहाँ पे सिलेक्शन होना है, जो की डाटा एंट्री बेसिस जॉब है। अब दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख पा रहा है, प्रोफेशनल एजुकेशन 2023 डेट 21/6/23 के अंतर्गत जो फॉर्म दिया गया है, यानी कि इसी फॉर्म को आपको भर के जो है ना यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। यानी कि यहाँ पे नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, जन्मतिथि डालना है, आरक्षण कोटी में आते हैं तो वो चीजें यहाँ पे डालेंगे और साथ ही गृह जिला डालेंगे, अस्थाई पता पूरा लिखेंगे, वर्तमान पता लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे, पैन नंबर भी यहाँ पे आपको लिखना है और साथ ही 12 नंबर में शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिक और इंटर का यहाँ पे आप डिटेल्स डालेंगे। साथ ही यहाँ पे 100 अभिप्रमाणित फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है, जो कि फोटो के ऊपर साइन करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, कार्य का अनुभव पूछा जा रहा है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का किसी भी जगहों पे अगर आपने काम किया है, जैसे कि मान लीजिए कोई एजेंसी वगैरह में आपने डाटा एंट्री का काम किया है, तो वो सब डिटेल्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं। टाइप करने की गति शब्द प्रति मिनट, यहाँ पे अंग्रेजी में कितना WPM है वर्ड पर मिनट वो लिखना है और साथ ही हिंदी में वर्ड पर मिनट यानी कि WPM लिखना है। साथ ही यहाँ पे डिक्लेरेशन में मैं और आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद सेवा प्रदाता संस्था के पदाधिकृत प्रतिनिधि का नाम यहाँ पे आपको, ये यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे आपको खाली छोड़ देना है। और साथ ही यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे आपको करना है, जो भी एप्लीकेंट है वो अपना साइन करेंगे।
दोस्तों अगर मान लीजिए आप फॉर्म को भर चुके हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे अगर आपने कोई गलती नहीं किया है तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, तो फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे जो नोटिस दिया गया है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं नोटिस दिया गया है कि आपको ये फॉर्म भर के कहाँ पे जमा करना है। हाँ ऐसा है कि अगर कोई नोटिस आता है इसके बाद तो यहाँ पे मैं आपको जो है जरूर बताऊंगा कि ये फॉर्म भरने के बाद कहाँ पे आपको जमा करना है। फिलहाल के लिए दोस्तों ये जानकारी देना था कि किस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा और कितना सिलेक्शन है, किस जिले के अंदर, किस प्रखंड में, ये सारी चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाए हैं। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे नोटिस आता है कि फॉर्म भर के कहाँ जमा करना है, मैं आपको इससे रिलेटेड एक और वीडियो जरूर बनाऊंगा। सही दोस्तों, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम सीखना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन क्लास भी देते हैं इसका, कि किस प्रकार से आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करेंगे, और साथ ही टाइपिंग का सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए है तो ये भी मैं आपको ट्रेनिंग के साथ जो है प्रोवाइड करूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, हम आपको इसका सर्टिफिकेट और साथ ही क्लास भी प्रोवाइड करें।